आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 675वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने पिछले दो एपिसोड में आपको दिखाया सिवनी की सड़क जो बन रही है, इस सड़क के बनने के बारे में हम बता रहे हैं, ठेकेदार को सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं, ठेकेदार की जो ये कहा जाए कि नियम विरुद्ध जो काम कराए जा रहे हैं उन नियम विरुद्ध कामों के लिए उसे क्यों बख्शा जा रहा है, ये एक शोध का विषय बना हुआ है। अभी हमने आपको नागपुर रोड का दिखाया, फिलहाल हम खड़े हैं जबलपुर रोड पर नगझर के करीब। धूल आपको उड़ती हुई दिख रही होगी, धूल उड़ रही है, गिट्टियां उचट रही हैं, विकास हो रहा है। धूल उड़ रही है, विकास हो रहा है, गिट्टियां उचट रही हैं, विकास हो रहा है। धूल से सराबोर यहां पर अगर आप देखेंगे तो सड़क नजर आ रही है। सड़क पर कहीं पानी का नामो निशान नहीं है, जबकि जिलाधिकारी संस्कृति जैन के द्वारा विभिन्न कई बार बैठकों में MPRDC मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों को ये ताकीद किया गया है कि वे यहाँ काम चलते समय पानी का छिड़काव लगातार कराएं। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर धूल उड़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। हमारे पीछे बस चली आ रही है और धूल यहाँ उड़ती हुई है। देखिए इसको अगर आप यहाँ से दिखाइए, धूल आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर धूल उड़ती हुई दिख रही है। गाड़ियाँ आती हैं, धूल उड़ती है, आप दृश्यता विजिबिलिटी कितनी कम है ये आपके सामने हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ आप जो देख रहे हैं पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों के ऊपर धूल जम रही है, स्टिमेटा पेड़ों का बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। क्या कारण है कि ठेकेदार की मशकें नहीं कसी जा पा रही हैं, ठेकेदार को आखिर क्यों वो ये देखिए यहाँ से ये गाड़ी चली जा रही है और धूल आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ धूल उड़ रही है। अगर इसी बात को हम कहें कि ये जो धूल उड़ रही है लोगों के फेफड़े छलनी कर रही है, अभी बहुत लंबा समय नहीं बीता जब कोविड से लोग उभरे हैं, कोविड में लोगों के फेफड़े बुरी तरह से प्रभावित हुए थे और ये धूल लोगों के फेफड़ों को, राहगीरों को किस तरह प्रभावित कर रही होगी ये समझा जा सकता है। एक के बाद एक आप देख रहे होंगे 30 सेकेंड के अंदर, हर 30 सेकेंड में एक बड़ा वाहन यहाँ से गुजर रहा है और उस बड़े वाहन से किस तरह यहाँ धूल उड़ रही है। दो सांसद हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला के सांसद हैं, बालाघाट की सांसद भारती पारधी हैं, भारती पारधी का ये संसदीय क्षेत्र है, उनका ये लोकसभा क्षेत्र है और चार विधायक सिवनी में हैं। उन चार विधायकों में रजनीश सिंह केवलारी विधायक हैं और योगेंद्र सिंह लखनादौन विधायक हैं, दोनों कांग्रेस के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कमल मस्कोले बरघाट के और दिनेश राय सिवनी के, और सिवनी विधानसभा क्षेत्र का ये अहम हिस्सा है। सांसद, एक भी सांसद बोलने को तैयार नहीं है, एक भी विधायक इस मामले में बोलने को तैयार नहीं। कांग्रेस और भाजपा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और भाजपा भी दोनों मौन ही अख्तियार किए हुए दिखते हैं। हाँ, अनुषांगिक संगठन के जरिए यदा कदा एकाध दो ज्ञापन दिलवा दिए जाते हैं। देखिए यहाँ हमारे पीछे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आज हम यहाँ पर शुक्रवार 23 नवंबर 2024 को शाम के समय हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। स्कूल यहाँ पर सेंट फ्रांसिस स्कूल लुगरवाड़ा में, उदय पब्लिक स्कूल है, सेंट फ्रांसिस स्कूल है, महर्षि विद्या मंदिर है, बहुत सारे स्कूल इस पूरे मार्ग पर हैं जहाँ ये सड़क बन रही है। और इस सड़क को बनाते समय निविदा की शर्तों के हिसाब से या लोगों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो ठेकेदार के द्वारा नहीं की। सिवनी में ये विडंबना ही कही जाएगी कि जब भी कोई काम होता है, कोई भी विकास का काम होता है, नियम कायदे कानून को पलाय ताक पर रख दिया जाता है। सिवनी में जो भी काम 4 लेन का निर्माण हुआ तब भी कोई बोलने वाला नहीं था, रेलवे में इतना बड़ा काम हुआ नियम कायदे कानून एक तरफ रख दिए गए, गुणवत्ता विहीन काम हुआ और उस सब के बाद अब ये काम हो रहा है, इसमें भी कोई बोलने को तैयार नहीं है।
लोग यहाँ पर, ये हम अभी फिलहाल जो खड़े हैं, ये सिमरिया मंडी को और जाने वाला रास्ता, एनटीपीसी हमारे पीछे दिख रहा होगा, एनटीपीसी के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। एशिया का भारत का सबसे बड़ा एनटीपीसी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, 2006 में बनकर तैयार था, आज तक इसका लोकार्पण नहीं हुआ, इसे राष्ट्र को समर्पित नहीं किया गया। धूल उड़ रही है, विकास हो रहा है, गिट्टियां उचट रही हैं, विकास हो रहा है, लोगों को गिट्टियां लग रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, विकास हो रहा है, लोग इन गिट्टियों पर गिर रहे हैं, विकास हो रहा है। ऐसा कैसा विकास आप देख सकते हैं, धूल के गुबार पीछे हमारे उड़ते हुए दिख रहे होंगे, इस धूल को लोग फांक रहे हैं, लोग सांस के साथ ये धूल के कण हमारे अंदर भी ये जा रहे होंगे, पर हमें आपको ये दिखाना है प्रशासन किस तरह काम कर रहा है। सिवनी में एक समय था जब एमपी राजन कलेक्टर हुआ करते थे, आखिरी कलेक्टर एमपी राजन हुए, जो खुद सड़कों पर उतरते थे, वे किसी के साथ भी मोटरसाइकिल में बैठकर निकल जाते थे और पूरे अपने जैसे राजा प्रजा का हाल जानने निकलते थे, वैसा उनके द्वारा कई बार किया गया। एक बार खवासा बॉर्डर हुआ करती थी, उसमें वे ट्रक वाले के साथ गमछा बांधकर बैठ गए थे और उस भ्रष्टाचारी को पकड़ा था जो वहां भ्रष्टाचार कर रहा था। पिछले 2-3 दशकों में एक भी जिला कलेक्टर, एक भी जिला पुलिस अधीक्षक ऐसे नहीं आए जो जनता के बीच सीधे गए हों। हम जिला पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित करते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता आपको आमंत्रित करते हैं, जिला कलेक्टर संस्कृति जैन आपको भी आमंत्रित करते हैं, आप आइए हमारे साथ, आइए देखिए जमीनी हालत क्या है। जब निश्चित तौर पर विधायक सांसद या बड़े अधिकारी निकलते होंगे, वे अपनी विलासिता वाली गाड़ियों में, वातानुकूलित गाड़ियों में बैठ कर कांच बंद कर कर निकल जाते होंगे, उन्हें इस बात की परवाह शायद नहीं रहती हो। आम जनता धूल फांक रही है, जो धूल उड़ रही है देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं, डंपर चला रहा है, धूल उड़ रही है, इस धूल को जो लोग फांक रहे हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता करिए। वे ही लोग हैं जिनके द्वारा दिए जाने वाले टैक्स से, सांसदों विधायकों अधिकारियों सबको उसी टैक्स से संचित राजस्व के जरिए ही वेतन मिलता है, इसके अलावा ये विकास काम भी उसी राजस्व उसी रेवेन्यू से होता है, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसी से ये विकास काम होता है। ये आप देख सकते हैं धूल किस कदर यहाँ उड़ रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बार बार जिलाधिकारी संस्कृति जैन के द्वारा बार बार निर्देश दिए जाने के बाद भी ऐसा प्रतीत हो रहा है, लगातार ही जिस तरीके से चल रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके निर्देश भी इसी धूल के साथ उड़ते जा रहे हो। ठेकेदार का इकबाल एमपीआरडीसी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को इस बात के संकेत भी दिए हैं कि ठेकेदार का इकबाल सियासी हलकों में इतना बुलंद है कि उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई शायद कोई नहीं कर सकता है। हमने आपको पिछले एपिसोड में भी ये बात बताई थी, देखिए किस कदर धूल उड़ रही है, हमने आपको पिछले एपिसोड में भी ये बात बताई थी कि भरत यादव यहाँ सिवनी में कलेक्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा 1,06,00,000 रुपये की शास्ति पेनाल्टी निरूपित की गई थी सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर, सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सक्षम अधिकारी उनसे बड़े अधिकारियों के पास अपील की गई और वो राशि शायद बेवाफ कर दी गई थी, आज तक वसूली नहीं हो पाई। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर धूल उड़ते हुए आपको पीछे भी दिखाई दे रही होगी, यहाँ भी दिख रही है, स्कूल के बच्चे किस तरह से आ रहे होंगे, किस तरह से जा रहे होंगे, किस तरह से उनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा होगा। सिर्फ एक नोटिस जारी हुआ है, 7 दिन का समय दिया गया है, इसके लिए यातायात पुलिस यहाँ आकर देख ले, यहाँ एक भी संकेतक दिख रहे हों अगर कितने का काम है, ठेकेदार कौन है, निर्माण एजेंसी कौन है, कहीं किसी को कुछ पता नहीं। 109 करोड़ रुपए का काम सिवनी में हो रहा है और एमपीआरडीसी का एक भी नुमाइंदा सिवनी में उपलब्ध नहीं है। हमने लिमटी की लालटेन में लगभग 8-10 महीने पहले इसी जगह का दिखाया था आपको कि कुछ भी यहाँ पर संकेतक नहीं लगे थे, कोई भी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नाम्स के हिसाब से यहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। सिर्फ उड़ रही है तो धूल, हो रहा है तो विकास, उड़ रही हैं गिट्टियां, हो रहा है तो विकास, लोगों को लग रही हैं उचट उचट की गिट्टियां, हो रहा है विकास, लोग गिर रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है,
और हो रहा है विकास। ये स्थिति है सिवनी की। सिवनी की जनता ने बहुत भरोसे से 2 सांसद और 4 विधायक चुने हैं। सारे के सारे इस मामले में मौन नजर आ रहे हैं। कारण क्या है ये तो वे ही बता पाएंगे। निश्चित तौर पर ये स्थिति बहुत गंभीर है। हमने आपको 2 एपिसोड नागपुर नाके के दिखाए, 3रा एपिसोड यहाँ हम आपको सिमरिया मार्ग का दिखा रहे हैं। हम आगे भी आपको नगझर और उसके आगे भी लेकर चलेंगे। पानी यहाँ पर डला है या नहीं डला, ये आपके सामने सब कुछ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए गाड़ी निकल रही है, धूल उड़ रही है, पीछे ये एम्बुलेंस आ रही है, हमारे पीछे एक एम्बुलेंस भी आ रही है और उस एम्बुलेंस के पीछे भी धूल उड़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरह का विकास सिवनी की जनता शायद नहीं चाहती। विकास चाहती है, निश्चित तौर पर चाहती है, विकास होना भी चाहिए। या तो निविदा की शर्तों में से इस पर पानी डालने की बात को हटा देना चाहिए, निश्चित तौर पर उसे हटा देना चाहिए। ठेकेदार को लाभ पहुंचाया जा रहा है MPRDC के अधिकारियों के द्वारा। एक लाइन से वाहन चले आ रहे हैं, आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी यहां से जा रही है और धूल उड़ रही है। उड़ती धूल के बीच में वाहन चले जा रहे हैं, एक के बाद एक बस आ रही है, बस भी धूल उड़ाती हुई चली आ रही है। हमारे पीछे देख सकते हैं आप किस कदर बस के द्वारा धूल उड़ाई जा रही है। बस के पीछे भी एक वाहन है, वो विजिबिलिटी दृश्यता इतनी कम है कि आपको वो पीछे वाला वाहन नहीं दिखाई दे रहा होगा। यही स्थिति ये देखिए किस तरह से यहाँ पर धूल उड़ती हुई नजर आ रही होगी आपको इस बस के पीछे। और अगर हम आपको यहीं से इस तरफ लेकर चलते हैं तो इस तरफ अगर आप जाएंगे महर्षि स्कूल की तरफ, अगर आप जाएंगे तो महर्षि स्कूल की तरफ आपको धूल के गुबार उड़ते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों सांसद, 4 विधायक, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सबके लिए ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये स्थिति। आज शुक्रवार 23 नवंबर 2024 की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। एक डंपर और आ रहा है, उस डंपर को जैसे ही वो डंपर यहाँ से गुजरेगा उसके बाद आप देखिएगा कि किस कदर धूल उससे उड़ती नजर आती है। अगर आप उस तरफ दिखाइए, डंपर के साथ ही लेकर के आइएगा आप। डंपर जब यहाँ आएगा तब आपको स्थिति समझ में आएगी कि किस कदर धूल डंपर उड़ा रहा है। और अगर यहाँ पानी डला होता तो डंपर से धूल कतई नहीं उड़ती। ये बात उतनी ही सच है जितनी दिन और रात पर यहाँ पर डंपर से धूल उड़ती हुई आपको स्पष्ट तौर पर दिख रही होगी। ये हमारे ठीक पीछे डंपर से धूल उड़ती हुई दिख रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमिटी की लालटेन के 675वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमिटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमिटी की लालटेन का 676वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।